नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ आशीष कुमार। वक्त हो गया है यूपी की 10 बड़ी खबरों का। देश में वायु प्रदूषण के मामले में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में स्थिति चेतावनी भरी है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की गंभीर स्थिति तक पहुंच गया है। इसके साथ ही लखनऊ देश के तीसरे सबसे प्रदूषित शहर में शुमार हो गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और पीएससी बल के शौर्य और सेवा भाव की सराहना करते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा 896 नागरिक पुलिसकर्मियों के पद के संबंध में पूर्व में जारी आदेश को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पीएससी और नागरिक पुलिस में पदोन्नति के अवसर समानांतर करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन व सचिव को जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां धमकी आयोग कार्यालय में भेजे गए पत्र के माध्यम से दी गई है। बताया जा रहा है कि पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है और सचिव की ओर से मामले की जानकारी दिए जाने पर एसएसपी ने LIU से जाँच कराई है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 9 नवंबर को वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी की नींव रखेंगे, जहां शहर के सभी वार्डों के पुनर्विकास का शिलान्यास पीएम के हाथों होगा। यूपी के महोबा में दुकानों में भीषण आग लग जाने से लगभग 1 करोड़ की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। इस अग्निकांड में 11 छोटी बड़ी दुकानें, कार और भूसा गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू कर पाईं। यूपी में पराली जलाने को लेकर तमाम जिलों में किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार अथवा उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लोग पराली जलाने वाले किसानों को इससे होने वाले नुकसान तथा इसके उपयोग के प्रति जागरूक करें। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में शुक्रवार की देर शाम बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष मदन सिंह चौहान के पुत्र की कार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष के पुत्र के गनर के सीने में एक गोली लगी है और वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि घायल गनर को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। कानपुर के चौबेपुर के बिकरू कांड की जांच कर रही SIT ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जहां इस रिपोर्ट में कानपुर के पूर्व SSP अनंत देव तिवारी के पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के साथ उनके संबंध की जांच कराने की सिफारिश की गई है। यूपी के शामली में अपर दुआब चीनी मिल में लगातार खराबी आ रही है, जहां शुक्रवार देर रात से फिर पेराई ठप हो गई है और शहर में गन्ना लदे वाहनों की कतार लग गई है। वहीं किसानों को खराबी की सूचना मोबाइल पर SMS भेजकर दी जा रही है। ताजनगरी आगरा में छाई स्मॉग की चादर शुक्रवार को और घनी हुई तो प्रदूषण का स्तर नई ऊंचाई तक पहुंच गया, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 399 दर्ज किया गया है, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है। तो ये थी यूपी की 10 बड़ी खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन है, घंटी है, उसे भी दबा दें ताकि देश दुनिया की तमाम खबरों से और यूपी की खबरों से आप रह सकें अपडेट। नमस्कार।